नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव किए जाते रहे, जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में रेलवे ने इन दिनों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटरियों पर काम शुरू किया है, जिससे कि ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाई जा सके और यात्रा के दौरान ट्रेनों में मिलने वाले जर्क से बचा जा सके। बता दें कि रेलवे ने पटना से खुलने वाली 12 जोड़ी ट्रेनों में आधुनिकीकरण और एक तरह से कहने की बात अनुकूलित तृतीय इकोनॉमिक श्रेणी के एक एक कोच लगाने की बात कही गई है। तो आइए एक एक कर जान लेते हैं उन ट्रेनों के बारे में जिनमें की एसी कोच लगाए गए हैं। बता दें कि यह सुविधा गाड़ी संख्या 13237, 13238 एवं 13239, 13240 पटना कोटा पटना एक्सप्रेस में पटना से 24 सितंबर से यह सुविधा जो है वो बहाल कर दी गई है। वहीं कोटा से खुलने वाली जो ट्रेनें हैं उनकी भी 25 सितंबर से यह सुविधा बहाल कर दी गई। उसके बाद जो है गाड़ी संख्या 12393, 12394 राजेंद्रनगर टर्मिनल नई दिल्ली राजेंद्रनगर टर्मिनल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में जो है राजेंद्रनगर टर्मिनल से 27 सितंबर से तथा नई दिल्ली से 28 सितंबर से यह सुविधा बहाल हो जाएगी। गाड़ी संख्या 22351, 22352 पाटलिपुत्र SMBT बेंगलोर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में पाटलिपुत्र से 23 सितंबर से यह सुविधा शुरू हो गई है, जबकि SMBT बेंगलोर से आज से यानी कि 26 सितंबर से यह सुविधा बहाल हो जाएगी। गाड़ी संख्या 22355, उसके बाद 22356 पाटलिपुत्र चंडीगढ़ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में पाटलिपुत्र स्टेशन से 21 सितंबर से यह सुविधा बहाल है, जबकि चंडीगढ़ से यह 22 सितंबर से ही इसमें इसकी शुरुआत कर दी गई है। गाड़ी संख्या 12355, 12356 पटना जम्मू तभी पटना अर्चना एक्सप्रेस में पटना से खुलने वाली जो ट्रेन है वो 27 सितंबर से इसमें यह सुविधा बहाल होगी। तो वहीं जम्मू से खुलने वाली इसी ट्रेन में जो है 28 सितंबर से यह नया एसी कोच लगने वाला है। गाड़ी संख्या 13201, 13202 पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनल से पटना से 20 सितंबर से तथा लोकमान्य तिलक से टर्मिनल से 22 सितंबर से यह सुविधा बहाल हो गई है। राजेंद्र नगर से खुलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें जो नए एसी कोच लगे हैं उन गाड़ियों का जिक्र कर लें तो राजनगर टर्मिनल से खुलने वाली जो गाड़ी है 12395, 12396 राजनगर टर्मिनल अजमेर राजनगर टर्मिनल से खुलने वाली 5 अक्टूबर से तथा अजमेर से खुलने वाली जो है वो 7 अक्टूबर से यह जो है नई सुविधा इन ट्रेनों में लगाई जाएगी। राजनगर टर्मिनल से खुलने वाली गाड़ी संख्या 13282, 13281 राजनगर टर्मिनल डिब्रूगढ़ राजनगर टर्मिनल में राजनगर टर्मिनल से जो है 1 अक्टूबर से तथा डिब्रूगढ़ से 3 अक्टूबर से यह सुविधा बहाल होगी। राजनगर टर्मिनल से खुलने वाली जो अगली गाड़ी है वह 13246, 13245 राजनगर टर्मिनल न्यू जलपाईगुड़ी राजनगर टर्मिनल से जो है 1 अक्टूबर से तथा न्यू जलपाईगुड़ी से 2 अक्टूबर से जो है इसमें एसी कोच की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। राजनगर टर्मिनल से खुलने वाली अगली गाड़ी है 13248, 13247 राजनगर टर्मिनल कामाख्या राजेंद्र नगर टर्मिनल में राजनगर टर्मिनल से जो है 2 अक्टूबर से और कामाख्या से 4 अक्टूबर से यह सुविधा बहाल कर दी जाएगी। गाड़ी संख्या 13242, 13241 राजनगर टर्मिनल बांका राजनगर टर्मिनल में जो है 26 सितंबर से तथा बांका से यह सुविधा जो है 27 सितंबर से यह सुविधा की शुरुआत कर दी जाएगी। गाड़ी संख्या 13288, 13287 राजनगर टर्मिनल दुर्ग राजनगर टर्मिनल में राजनगर टर्मिनल से जो है 29 सितंबर से एवं दुर्ग से जो है 1 अक्टूबर से यह सुविधा बहाल होगी। इस वातानुकूलित रेल सेवा को लेकर यह भी कहा गया है कि सस्ती सेवा होगी। बताया जा रहा है कि वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमिक किराया नियमित वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की तुलना में लगभग 8% कम है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि नए एसी तृतीय श्रेणी की तुलना में मेल एक्सप्रेस का जो बेस फेयर स्लीपर क्लास में है उससे जो 2.4 गुना रखा गया है, जबकि वर्तमान में यही अगर हम इसी की फेयर दर की बात करें तो 2.6 गुना ज़्यादा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पहले सस्ता होगा, यानी कि जो रेलवे की सुविधा होगी एसी कोच में वो जो है पहले से अब सस्ती हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेनों में लगने वाली नई कोच में जो है कई तरह की सुविधाएं भी आपको मिलने वाली है, जिससे कि यात्रा के दौरान आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दौरान यात्रा को और भी आरामदायक होने वाला है। तो ऐसे में कई ऐसी ट्रेनों में जो है नई सुविधाएं दी गई, खास करके 3 टीयर को लेकर एसी कोच को लेकर बताया गया, जिसमें कि
कई ट्रेनों में जो है नई सुविधाएं बहाल की गई है। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे इजाजत, धन्यवाद।